गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। सुबह सुबह मैं आप सब लोगों को झाड़ू दिखा रही हूँ। अभी मैं यहाँ नया वाला झाड़ू लेके आई थी, तो इसका जो निकलता है ना छोटे छोटे, उस सबको मैं थोड़ा बहुत निकाल ले रही हूँ। ऐसे इससे ज़्यादा नहीं निकला, ऐसे कोई कोई ना कंघी भी लगाते हैं, आसानी से निकल जाता है बोलते हैं, तो ऐसे हाथ से कर रही हूँ। ऐसे में भी बहुत अच्छा निकल रहा है, ऐसे कम ही निकला, ऐसे ज़्यादा नहीं निकला। किसी किसी में तो बहुत ही ज़्यादा निकलता है, और थोड़ा नया में तो होता ही है। दो तीन बार अगर झाड़ू लगाओगे इससे तो फिर ठीक हो जाता है। ऐसे अभी इतना नहीं हो रहा है ऐसे। और यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, खाना नाश्ता सब भी बन गया था मेरा। और यहाँ मैं बच्चों को लेके आई हूँ स्कूल से। गर्मी तो हो रही है ऐसे अभी भी बाहर। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उमस सा हो रहा है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत हम पंखा चला के बैठ रखे हैं, पर ये अपना कुछ कर रही है। और ये रही पिंकी भी गई थी हम सब लोगों के साथ। रिया सुबह सुबह तो ऐसे बारिश हो गई थी, और अभी हल्की हल्की धूप है, ऐसे बादल छाया हुआ है, शायद शाम तक फिर बारिश होएगी। सुबह ऐसे तेजी बारिश हुआ था, सुबह से ऐसे मौसम ठंडा था, ऐसे बहुत गर्मी हो रही थी, उमस सा लग रहा था, थोड़ा बहुत राहत मिल गया है बारिश हुआ है तो। अभी अभी बच्चों को लेके आए हैं स्कूल से। डोली परी के चाची भी गए हुए थे, घर में बोर हो रहे हैं, कल ऐसे वापस जाएंगे। आज ऐसे शॉपिंग करने जाना था, मन सा नहीं हुआ, बारिश सा हुआ था तो नहीं जाएंगे। कल चाची चाचा वापस आएंगे। और यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद डोली परी दोनों का बैग किसका लंच चेक कर रही है, भरा भरा दिख रहा है। डोली परी नाश्ता सब फिनिश किए कि नहीं करके, लंच सब ने नहीं खाया, तो वही अपे तो इन दोनों को बहुत पसंद है, दोनों ने फिनिश कर लिया था ऐसे। और अपे बैटर जो है वो मैंने बचा के रखा था, ये रहा खत्म कर रखे हैं, और भी है बनाने, दो तीन बचा रखी है। परी डोली ने तो पूरा ही फिनिश कर दिया था। और पिंकी जो है प्याज पसंद नहीं करती है, तो इसमें ना प्याज मिला हुआ है, तो उसको पता चल गया, तो उसने एक ही बार खा के देखा, फिर नहीं खाया। इससे पहले डोली परी दोनों भी ऐसे ही करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत अब आदत हो गया है, ऐसे अपने डाल देते हैं प्याज पालक वगैरह, तो आराम से खा लेते हैं इन दोनों। टमाटर भी ऐसे दाल उल या सब्जी में डालो ना, तो इन दोनों भी निकाल देते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं। लेकिन अपे में जो रहता है ना वो आराम से खा लेते हैं। जरा डोली ने पूरा फिनिश कर दिया, गरम गरम जो पानी जो ये लंच पूरा फिनिश कर दिया था उसने। और यहीं उन दोनों का होमवर्क सब देख रही थी, कौन कौन सा दिया है करके। यहीं थोड़ा बैठ लेते हैं ऐसे, पंखा यहीं थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, घर के अंदर का इतना अच्छा नहीं लगता। और इधर खाना उना चढ़ा रखे हैं, खाना मैंने चढ़ा दिया था, और दाल देवरानी जी ने चढ़ा दिया था, और आम लाए थे, आम नीचे ग्राउंड वाली आंटी ने दिया था, उसको आम काट के रखे हैं। मतलब आम ख़त्म हो रहा है, तो जितने भी बिल्डिंग में रहते हैं ना सबको दिया था, नीचे ग्राउंड में आम का पेड़ है, तो आंटी ला दी थी ऐसे, सबको पन्नी में भर के दिया था, छः सात आम रख दिया था पन्नी में। और यहाँ हम सब काट के रखे हैं, यहाँ हम नमक मिर्च लगा रहे हैं थोड़ा बहुत, और बच्चों के लिए चीनी लगा दिया है। डोली परी बोल रहे थे कि नमक मिर्च मत लगाना नहीं खाना, तो चीनी डाल दिया था, तो चीनी के साथ थोड़ा बहुत खा लेंगे उन लोग। यहाँ पर मैं नमक मिर्च लगा दी हूँ, ऐसे आम काटते काटते और मुँह से पानी आ रहा था ऐसे। और गांव में तो इतना मिला नहीं कच्चा आम, थोड़ा बहुत मिला था ऐसे, बहुत मन हो रहा था कि वही चटनी बनाते हैं ना खाना के साथ खाने के लिए, वो सब भी नहीं बनाया। ये वाला बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये थोड़ा बहुत पक रहा था तो हमने नहीं बनाया इसको, और एक दो दिन रखते ना तो पूरा पक जाता। तो यहाँ पर अभी हम आम खा ले रहे हैं, और जिन जिनको पसंद है आप सब भी आ जाइए, आम आप सबको भी आम देख कर मुँह में पानी आ रहा होगा। हम सब मिलके खा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत चटपटा सा भी लग रहा है, सारे खा रहे हैं इन लोग भी।
बहुत इधर हम सब खाने के बाद खाना सब भी तैयार हो गया था, तो थोड़ा बहुत हम इधर दाल चावल खा ले रहे हैं, अचार है और सब्जी है। दाल ऐसे मिक्स दाल बना है, चना मूंग और थोड़ा सा मलका दाल मिक्स कर दिया था। और यहाँ डोले परे दोनों को खिला रहे हैं, होमवर्क कर रहे थे, बोल रहे थे अपने आप ही खा लो, लेकिन इन दोनों बोल रहे नहीं अभी होमवर्क कर रहे हैं, मम्मी आप खिला दो। तो यहाँ मेरे लिए भी लेके आई हूँ और इन दोनों को पहले खिला ले रही हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। अचार के साथ ऐसे अच्छा लग रहा है, जब मैं अचार लेती हूँ तो सब्जी वगैरह नहीं लेती, दाल मतलब टेस्ट बिगड़ जाता है ऐसे लगता है मुझे, दाल चावल ही अच्छा लगता है अचार के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। ये ऐसे दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, नहाना धोना भी हो गया है। आप सबसे ऐसे मैं दिन में मिल रही हूँ थोड़ा बहुत, मतलब बच्चों को छोड़ के आई हूँ उसके बाद। और आज हमने बनाया है आलू का पराठा और सॉस चटनी वगैरह मैंने नहीं बनाया है, ऐसे टमाटर चटनी या धनिया चटनी सॉस था तो हम उसी से खा ले रहे हैं। आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लेते हैं। और गर्मा गर्म यहाँ पर सॉस पराठा खा रही हूँ तो गर्म गर्म अच्छा लग रहा है, ठंडा ऐसे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत बारिश का मौसम भी चल रहा है और दोनों साथ मिलके बना लिए थे ऐसे पराठा देवरानी जी के साथ। इधर हम बैठ रखे हैं नाश्ता करने के लिए और अभी बच्चों का टाइम हो रहा है, फिर बच्चों को लेके आना है। बोल रहे थे देवरानी जी को भी कि चलो बच्चों को लेके आएंगे, थोड़ा बहुत झूला वूला झूला के लाएंगे। ऐसे इन लोग ना आज निकलने वाले हैं 5 बजे करीब, बस से जाएंगे। तो फिर देवर जी ऐसे खाना सब नहीं खाए थे तो इन लोग नहीं गए, तैयार हो गए थे ऐसे जाने के लिए। फिर इधर खाना सब तैयारी हो रहा है, इधर पहले तैयारी कर दे रहे हैं, बाद में टाइम नहीं मिलता है करके थोड़ा बहुत टाइम पहले से ही कर ले रहे हैं, खाना सब बना ले रहे हैं। और मैं यहाँ मलाई निकाल रहे थे, बिल्कुल क्रीम सा हो गया है, निकल ही नहीं रहा था मक्खन। यहाँ पर अचार थोड़ा सा रख दिया है ले जाने के लिए और इमली भी थोड़ा सा रख दिया है। और चावल तो मैंने चढ़ा दिया था, इधर दाल चढ़ा दे रही है। और थोड़ा बहुत ऐसे ही निकाल लिया था मैंने, जो दूध होता है ना उसका इतना निकला नहीं, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दिख रहा है। इसको अभी सुखाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हो ही नहीं रहा था मक्खन, बहुत देर से कर रही थी लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो फिर थक गई थी तो फिर मैंने ऐसे ही कर दिया था। और इधर आलू भुजिया बना रहे हैं ले जाने के लिए, इसमें ज़रा सा प्याज डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा बहुत मिर्च वगैरह डाल दिया है, कम आँच में बना रही है। बीच बीच में मैं चला दे रही हूँ ऐसे। पूछ रहे थे क्या ले जाओगे करके, तो पराठा प्लेन वाला, उसके बाद आलू भुजिया, थोड़ा सा दाल चावल ले जाएंगे बोल रहे थे तो वही बना दिया था। और यहाँ पर खाना सब तैयार हो गया था, फिर हम इधर खा ले रहे हैं, सब्जी सब बच गया था तो वही सब निकाल रखे हैं, दाल चावल। रात का भी सब्जी को गर्म कर लिया था थोड़ा बहुत, बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है करके थोड़ा बहुत पहले ही खा ले रहे हैं, मतलब हड़बड़ी में मनसा नहीं होता है। और यहाँ पर पैकिंग कर दिया है दाल चावल आलू भुजिया और पराठा, ये रख दिया है। और थोड़ा बहुत नमक सब भी रख लो करके बोल रही थी, किसी किसी को आदत होता है ना तो नमक के बिना मनसा नहीं होता खाना, मैं तो ऐसे मिलाती नहीं हूँ। यहाँ पर सारा कुछ पैक कर दिया है और बोल रहे थे बरस सब भी रख देना करके, सुबह दिन के टाइम पे बोला था लेकिन बरस भूल गए थे रखना, कोलगेट बरस यहीं छोड़ गए थे। और यहाँ पैकिंग सब सारा हो गया है, पिंकी भी तैयार हो गई है, अभी देवर जी खाना नहीं खाए हैं ऐसे, उठा सो गए थे तो उठा के बोल पूछ रहे थे कि खाना वाना खाओगे कि, बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं खाऊंगा। और थोड़ा यहाँ पर वीडियो सब बना ले रहे थे, पता नहीं और कब मिलेंगे करके। और इन दोनों को ना खूब पसंद है, और पिंकी को भी खूब पसंद है टेडी बियर, वो सबसे खेल रही थी। थोड़ा बहुत हम यहाँ वीडियो सब अपना ले रहे हैं, फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। पिंकी शर्मा रही है इधर। और यहाँ थोड़ा बहुत अभी खेलेंगे करके, इन लोग थोड़ा बहुत खेल भी रहे थे और वही पार्क ले जाने के लिए कर रहे थे, लेकिन पार्क भी हम नहीं जा पाए
यहाँ तैयार हो गए हैं, यहाँ नीचे छोड़ के आ रहे हैं। ऐसे मन अजीब सा भी लग रहा था बच्चों को भी और मुझे भी। सोमवार को आए थे ऐसे और सप्ताह भर का ही छुट्टी लेके आए थे, उधर छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं तो करके ये सर्टिफिकेट बनाना है करके आए थे ऐसे। बर्थडे सर्टिफिकेट बच्चे का इस बार एडमिशन करा दिए हैं ऐसे स्कूल में, तो स्कूल भी जाती है अभी। और ये रहा, गाड़ी बुक कर दिए थे, आ गया है। हम सब सारे छोड़ने के लिए आए हैं ऐसे। और यहाँ नीचे ना डॉगी भी रहता है तो डर सा भी लगता है आना जाना, मतलब जो भी नया दिख जाता है भौंकता है और काटने के लिए दौड़ता है। छोटे छोटे बच्चे दे रखे हैं। और कोलगेट ब्रश भी भूल गए थे ऐसे। और वीडियो ना ज़्यादा नहीं बनाए इसके बाद, मतलब बनाने का मन भी नहीं किया, मन भी अजीब सा उदास सा लग रहा था। और इन लोग इधर निकल रहे हैं अभी। और दोल परे दोनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, रोज़ तो पिंकी के साथ खेलते थे करके, थोड़ा बहुत होता है जब भी कोई आते हैं फिर वापस जाते हैं तो घर भी सूना सूना सा लग रहा है। और ये टेडी बियर सबसे पिंकी हमेशा खेलते रहती थी। और खाना उना सब जो भी बना के गए थे वही सब था, हमने बनाया नहीं। और इसके बाद हमने वीडियो सब भी नहीं बनाया। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रहा कोलगेट ब्रश, भूल गए हैं।